किशन की जोड़ी इस समय मैदान में, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी रितेश, मदन और किशन इस समय मैदान में सलामी बल्लेबाज के रूप में, और मदन रितेश की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद पिच में जो थोड़ी सी नमी है उसका फायदा यहां पर मिला है, गेंद थोड़ी सी रुक करके आ रही है, अपश्रम के बाहर जाती हुई गेंद, और ये जो पूरा बाउंड्री पर घेरा बना है सभी खिलाड़ियों का थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा आप सभी को। रितेश जी स्वागत है आपका। एक रन मिलता हुआ यहाँ पे, और तीन गेंद में एक रन बन चुके हैं। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक जरूर था, लेकिन मिड ऑन पे कोई फील्डर नजदीकी नहीं खड़ा था, नतीजा एक रन मिलता हुआ। चार गेंद हुई है इस पहले ओवर की, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए रितेश, इस बीच फुल टॉस गेंद खूबसूरत तरीके से खेला जरूर, और आसानी के साथ यहां पे एक रन मिलता हुआ। दूसरा ओवर पावर प्ले का, जिसमें 38 सर्कल के बाहर तीन फील्डर रहेंगे। कुछ अनमने ढंग से खेलने की कोशिश, बल्ले पर गेंद नहीं आई। पहले ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद तीन बिना किसी क्षत के। अब दूसरा ओवर, यानी कि दूसरा ओवर हमेशा पावर प्ले का ओवर होगा, जिसमें 38 सर्कल के बाहर तीन फील्डर ही रह सकते हैं। पांच पांच ओवरों का निर्धारित मुकाबला, जेसीएल का यह मुकाबला, और जेसीएल के इस मुकाबले में पहला मैच जो हो रहा है वो सत्यम सुपर स्टार्स वर्सेस सोसाइटी टीम के बीच खेला जा रहा है। सत्यम सुपर स्टार्स की अगर बात किया जाए तो उन्होंने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में रितेश आए। रितेश ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी किया, केवल तीन रन खर्च किए। दूसरे ओवर की गेंदबाजी करण, दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए करण, करण और करण के सामने इस समय बल्लेबाजी के लिए मदन, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बीच ये पहली गेंद लाइन में इसके क्लीन बोल्ड होकर के वापस आते हुए बैट्समैन मदन, जबरदस्त गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी करण की, पहली गेंद में ही बिल्कुल चकमा खा गए वहां पर बैट्समैन मदन। अब न्यू बैट्समैन हितेश इस समय बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए करीब 20 कदमों का बॉलिंग मार्ग, क्या खूबसूरत एक्शन, और पहली गेंद क्लीन बोल्ड होकर के वापस आते हुए बल्लेबाज। शुरुआती समय में इतना अच्छा फुटवर्क कभी नहीं होता, तो उसका भी एक नुकसान यहां पर उठाना पड़ा है बैट्समैन मदन को। लेकिन करण पहली गेंद पे सफलता लेने के बाद इस ओवर में दूसरी बार, और ये गेंद बहुत खूबसूरत तरीके से मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है हितेश ने, आसानी के साथ सिंगल मिल जाएगा। सही तरीका है, अगर आपको शुरुआती ओवरों में खेलना है तो फुटवर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और कहते हैं ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो भी लाजवाब होना चाहिए। अभी भी स्ट्राइकर एंड पे जमे हुए हैं किशन, जो कि एक धाकड़ बल्लेबाज है। करण की ये गेंद बैकपुर पे जाकर के खेला है, जरूर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद आई है, आसानी के साथ सिंगल मिलेगा। हितेश दूसरे रन की इच्छा जता रहे थे, लेकिन मना किया वहां पे
रनों की बात किया जाए तो अभी भी 1.3 ओवर के बाद 5 रन बने हैं, और ये 5 रन जो बने हैं अभी तक 2 पे बैटिंग कर रहे हैं 4 गेंदों का सामना करके किशन, और 1 रन हितेश इस बार ने। किशन के बाहर की गेंद, अंपायर के सारे की प्रतीक्षा, व्हाइट का इशारा आता हुआ, व्हाइट का इशारा आता हुआ। हितेश और किशन की जोड़ी है, लेकिन करण अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, अभी तक देखा जाए 3 गेंद किए हैं, 3 रन देकर के एक सफलता हासिल किए इस बार। लेकिन शमके बार की गेंद, और ये गेंद भी वाइट का इशारा आता हुआ, दिशा से भटके हैं यहां पे थोड़ा सा करण। जेसीएल का ये मुकाबला, नारंगी का खूबसूरत ग्राउंड, टीवीएन लाइव के सौजन्य से ये लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंच रहा है। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी, दूर से खेल बैठे, बिना गेंद की लाइन में आए, बिना गेंद के पीछे तक पहुंचे, नतीजा के डॉट बॉल होती रही। आफ्टर 1.4 ओवर स्कोर इज 7, लॉस ऑफ 1 विकेट सोसाइटी 11। ये अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रहती हुई पैरों पे आई, जोरदार अपील भी की गई, रन के लिए निकल रहे थे हितेश, लेकिन मना किया वहां पर किशन ने। इस ओवर की ये आखिरी गेंद होगी, और अभी तक अपने पहले ओवर में पहली गेंद पे एक सफलता पाने के बाद अतिरिक्त कुछ गेंदे किए, नतीजा कुल 4 रन खर्च कर चुके हैं शुरुआत की 5 गेंदों में। व्हाइट का इशारा आता हुआ, और सभी प्लेयर ध्यान देंगे कि वो जो पवेलियन बना है वहां पर केवल कैमरामैन रहेंगे, उनके अलावा कोई वहां पे नहीं जाएगा, जिससे कि हमारे कैमरामैन को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और तो पवेलियन में कोई नहीं जाएगा। ये गेंद बहुत ही खूबसूरत शॉट, और हितेश का मिड ऑन ऊपर था, लोंगन के फील्डर दौड़ते हुए, अच्छा शॉट, दूसरे रन की मांग, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी। दो ओवर की समाप्ति के बाद 10 रनों पर 1 विकेट भी खो चुकी है इस समय टीम सोसाइटी 11। पहला मुकाबला सोसाइटी वर्सेस सोसाइटी सुपर किंग्स और सत्यम सुपर स्टार्स के बीच का यह मुकाबला। सत्यम सुपर स्टार्स के कैप्टन ने टॉस जीता था, गेंदबाजी करने का फैसला लिया इस जेसीएल सीजन 6 के पहले मुकाबले में, और पहला ओवर बहुत ही अच्छा घटित हुआ उनकी टीम के लिए, लेकिन दूसरे ओवर में सफलता भी मिली, कुछ रन भी आए, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय सोसाइटी सुपर किंग्स की टीम ने कुल 10 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पे। और ललित तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ललित की ये गेंद, खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए बेहतरीन कैच, बहुत ही अच्छा कैच लेते हुए वहां पर फील्डर करण। किशन आउट होकर के वापस आते हुए अब जा रहे हैं राकेश बल्लेबाजी करने के लिए। 10 पे 2 आफ्टर 2.1 ओवर स्कोर इज 10, लॉस ऑफ 2 विकेट। प्रकाश भाई, जेके भाई, थोड़ा सा आप लोगों को साइड में उधर खड़ा होना पड़ेगा। एक बार फिर गेंदबाज तैयार होते हुए, एक सफलता मिल चुकी है पहली गेंद पे ललित को, ललित की ये गेंद, राकेश ने खेला जरूर इसको, और 1 रन भी मिलता हुआ, 1 रन के 7 रन संख्या पहुंच चुकी है 11 पे,
2.2 ओवर का अभी तक का खेल हुआ है और 5 ओवरों के मुकाबले में 2 विकेट भी जल्दी गिर चुके हैं और लगभग आधी इनिंग भी समाप्त हुई है। इस बीच बहुत ही खूबसूरत शॉट बिल्कुल कवर्स के क्षेत्र में, जो गैप था उसको ढूंढ लिया, कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खेला था 4 रनों के लिए पहली बाउंड्री आती हुई। श्री जी के हॉलमार्क सेंटर बाउंड्री आती हुई। श्री जी के हॉलमार्क सेंटर बाउंड्री। ये गेंद क्या बाहरी किनारा लगा है, अंपायर से प्रश्न पूछा गया। एक बार फिर गेंदबाज तैयार होते हुए ललित आश्रम के काफी बाहर की गेंद थी, लेकिन इतनी भी बाहर नहीं कि वाइड करार दी जाती। हमारे एमसीसी के मेन मेंबर अंकित पुरोहित पहुंच चुके हैं, एमसीसी के मेन मेंबर अंकित पुरोहित, बिल्कुल एमसीसी के मेंबर अंकित पुरोहित जी यहां पे आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकित भाई। और सिंगल के साथ रनों की बात किया जाए तो रन संख्या पहुंच चुकी है 16 पे, 3 ओवर की समाप्ति 16-16 पे 2 बाउंड्री और 6 के हमारे जो स्पॉन्सर है। श्री जी के नए गेंदबाज अब चौथे ओवर की गेंदबाजी लेकर के पलक, ओहो पलक झपकते ही पलक ने यहां पे आउट किया है हितेश को। हितेश 8 रन बना करके आउट हुए। नए बल्लेबाज विदित, विदित को ये सर्व विदित है कि हितेश आउट हो चुके हैं और हितेश के साथ ये सोसाइटी टीम की अगर बात किया जाए तो कुल ये तीसरा झटका है, तीसरा विकेट गिर चुका है। राकेश रानी स्ट्राइकर एंड पे है तो विदित किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन पलक को यहां पे सफलता मिली है अपने पहले ओवर की पहली गेंद पे। पहले ओवर की पहली गेंद पे करण को भी सफलता मिली थी, लेकिन करण उसके बाद थोड़ा सा भटके थे, कुछ गेंद इधर उधर पटके थे जो वाइड के रूप में निकली। लेकिन यहां पे अब देखना है कि ये गेंदबाज क्या करते हैं। पहली गेंद पे इन्हें भी सफलता मिली है, लेकिन किस प्रकार से ये अपनी गेंदबाजी पे नियंत्रण रखते हैं। विदित इस समय बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं, अंपायर से गार्ड लेते हुए तैयार होते हुए। अगर फील्ड पोजिशन की बात किया जाए तो एक फील्डर जो है उसको आप स्लिप भी कह सकते हैं, साथ थर्डमैन भी कह सकते हैं जिस पोजीशन में वो हैं। और हल्के हाथों से धीरे से खेला, आसानी के साथ सिंगल लेते हुए। पॉइंट रिंग है, कवर जरूर है, शॉट एक्स्ट्रा कवर जरूर है। और एक खिलाड़ी जो कि बिल्कुल वाइडिस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खड़ा है, लेकिन आन साइड में अगर देखा जाए तो एक फाइन लेग भी रखा गया है और एक फील्डर डीप स्क्वायर लेग में है, मिड विकेट में है और लॉन्ग ऑन और साथ में काउ कार्नर। इस बीच ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। लिख भाई का इशारा आता हुआ। शुरुआती ओवरों में जिस प्रकार से यहां पर कैप्टन ने टॉस जीता था सत्यम सुपर स्टार्स के और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया, उनके गेंदबाजों ने भी बिल्कुल वही काम किया।
दूसरे रन की कोशिश थी वहां पे राकेश की, लेकिन मना किया उनके साथी खिलाड़ी विदित ने। और अभी भी 19 रन बने हैं 3.4 ओवर के बाद, बहुत धीमी शुरुआत हुई है। और पलक इस ओवर में 4 गेंद कर चुके हैं, एक सफलता मिली है, 3 रन खर्च किया है पलक ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस समय होती हुई सत्यम सुपर स्टार्स की तरफ से। ये गेंद पुल टॉस बना करके क्या खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया है, बिल्कुल बैक टू बॉलर खेला गया शॉट, लॉन्ग रन के क्षेत्र में बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, लंबी दौड़ लगाते हुए वहां पर फील्डर, दो रन लेने से रोक नहीं पाएंगे, लेकिन फील्डिंग बड़ी लाजवाब रही है। और वहां पर फील्डर थे रौनक, रौनक ने फील्डिंग करके अपनी टीम की रौनक बढ़ाई है यहां पे, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग किया रौनक ने। राकेश को पता है कि हमें किस प्रकार से बल्लेबाजी की जरूरत है। इस पिच बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में इस टाइम स्टोक, लेकिन भाग्य ने साथ दिया है, नॉर्मल लैंड गेंद जमीन से टकराती हुई और ओवर भी समाप्त होगा एक रन के साथ। तो इस समय 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 22/3 पहले बल्लेबाजी करते हुए सोसाइटी सुपर किंग्स की टीम ने 4 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पे। आने वाला एक ओवर 6 गेंदे कितने रन बनेंगे, 22 4 ओवर की समाप्ति के बाद 22। गेंदबाजी की जिम्मेदारी, 5 ओवरों का अगर मुकाबला है, हर गेंदबाज को एक एक ओवर ही करना है, तो कितनी अच्छी आप गेंदबाजी क्यों ना करें, लेकिन अपने एक मैच में आप एक ही ओवर डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सबको मौका मिलेगा, और मौका तो कल 5 में से 4 जगह मिल भी गया। और कमल जी बगल में बैठे हैं, कमल खिल गया। इस बीच फुल टॉस गेंद फील्डर गेंद की तरफ आते हुए, लेकिन वन बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई श्री जी के चौका के रूप में। और जितना श्री जी के हॉलमार्क सेंटर चौका निकलेगा, उतना ही सुदृढ़ स्थिति में सोसाइटी सुपर किंग्स की टीम होगी। अब बची हुई 5 गेंदें किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे राकेश को पता है कि इस ओवर की 5 गेंदें और 5ों गेंदों पे अगर 5 नहीं तो कम से कम 4, जिस प्रकार कल 5 में से 4 हुआ, कम से कम 5 में से 4 गेंदों पे उन्हें करारे प्रहार करने होंगे। लेकिन गेंदबाज अपनी टीम के लिए जितनी गेंदें डॉट कराएंगे उतना ही अच्छा है। रौनक की ये गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ 27/3 4.1 ओवर के बाद। और इस बीच जब एक और अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, एक रन हुआ, दूसरे रन की मांग, दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है, लेकिन गैदर नहीं कर पाए वहां पे गेंदबाज जब उनकी तरफ थ्रो आया था 29/3 4.2 ओवर के बाद। राकेश अभी भी स्ट्राइकर एंड पे 6 गेंदों पे 10 रन बना करके खेल रहे हैं, जबकि रौनक 7 रन दे चुके हैं 2 गेंदों पे। इस बार ये भी बड़ा शॉट, लेकिन लॉन्ग रन के क्षेत्र में फील्डर वही मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन की मांग और 2 रन भी पूरा होता हुआ। साथ में राकेश अभी भी स्ट्राइकर एंड पे होंगे। साथी खिलाड़ी की पहल यही है कि विदित की कि वो स्ट्राइकर एंड पे राकेश को रखे, राकेश 7/12 बना करके खेल रहे हैं। विदित 2 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन बनाए हैं, और हमारे साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए अजीत और साथ में हितांशु और साथ में एक और स्कोरर धीर। तो मैनुअल स्कोरिंग यहां पे एक हो रही है, लेकिन डिजिटल स्कोरिंग की बात किया जाए तो 2-2 स्कोरर, और एक तो अभी कमल भाई के सुपुत्र हैं, एज काफी कम है, लेकिन बहुत ही धीरता के साथ और धैर्य के साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए धीर। ओहो महावीर भाई भी स्कोरिंग की जिम्मेदारी, बिल्कुल वो तो हमेशा निभाते रहते हैं।
अब देखना इस ओवर में और कितने रन बनते हैं, चार गेंद हो चुकी है। पांचवी गेंद, बड़ा शॉट, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ, लेकिन बहुत बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, बिल्कुल अपनी दाहिनी तरफ दौड़ते हुए आए फील्डर जो कि वेडिस लोंगन पे थे, जिसे काउ कॉर्नर कहा जाता है, मिड विकेट के क्षेत्र में आए, बेहतरीन कैच लिया। राकेश की पारी का अंत 32 पे 4-4 4.5 ओवर के बाद आखिरी गेंद आनी शेष। और इस ओवर में अभी तक देखा जाए 10 रन जरूर खर्च किए गए हैं, लेकिन एक सफलता, बड़ी सफलता मिली है राकेश के रूप में रौनक को। अब नए बैट्समैन विकी, विकी स्ट्राइकर एंड पे ही रहेंगे। कितने रन यहां पे देखना है मिलेंगे, दूसरे रन के लिए जाना चाहिए क्योंकि आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, तीसरे रन के लिए भी भागना चाहिए क्योंकि रुक के कोई मतलब नहीं, आखिरी गेंद है, लेकिन दो रन ही हुआ, 34 हुआ है स्कोर, 35 रनों का लक्ष्य, जीत के लिए कुल 35 रनों का लक्ष्य यहां पे मिला है। और 35 रनों का लक्ष्य मिला है, ऋषभ जी मैं चाहूंगा कि दूसरे मैच का टॉस करा लिया जाए, मेघना 11 और रॉयल टीम के बीच का वो मुकाबला, दूसरे मैच का टॉस करा लिया जाए, मेघना 11 और रॉयल्स के कैप्टन आ जाए और टॉस करा लिया जाए, जैसे ही पहली इनिंग समाप्त होती है दूसरे मैच का टॉस होगा। और यहां पे लक्ष्य मिला है 35 का, मेघना 11 के कैप्टन आ जाए, सत्यम सुपर किंग्स को यहां पे जीत के लिए 35 का लक्ष्य मिला है, 7 के औसत से ये रन बनाने हैं, देखने वाली बात होगी। रॉयल्स वर्सेस मेघना 11 के बीच का ये मुकाबला, सर टीम का नाम आपके क्या है, सोनी रॉयल्स, 35 टू विन सत्यम सुपर किंग्स के, सत्यम सुपर स्टार्स माफ कीजिएगा, के सामने 35 का लक्ष्य रखा गया है। मेघना और सोनी रॉयल्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए, मेघना और सोनी रॉयल्स के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। दूसरे इनिंग की शुरुआत यहां पे होने जा रही है और सत्यम सुपर स्टार्स के सलामी बल्लेबाज मैदान में जाएं, और टाइम यहां पे नोट हो रहा है 20 मिनट में एक इनिंग समाप्त करनी है, नहीं होती है तो 5 रन की पेनल्टी है। और सत्यम सुपर स्टार्स के सलामी बल्लेबाज मैदान में जाएं। ये इनिंग जितने जल्दी आप शुरू करें उतना ही अच्छा है, मैं चाहूंगा सलामी बल्लेबाज मैदान में जाएं। और बैट्समैन मैदान में जाएं और
जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए। दोनों सलामी बल्लेबाज जो इस समय मैदान में जा रहे हैं, सत्यम टीम की तरफ से और देखना इस स्ट्राइकर एंड पे कौन जाता है। ऋषभ और रमेश, सत्यम सुपर स्टार्स की तरफ से हमारे पास एक लोग यहां पे बैठे रहे, क्योंकि कौन से बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पे हैं और ऋषभ रमेश और गेंदबाजी की जिम्मेदारी राकेश। आज एक बल्लेबाज की बल्लेबाजी यहां पे चलेगी जिनका बल्ला बिल्कुल SBJPL में खामोश था, और आज हम उम्मीद करते हैं कि उनसे यहां पे कुछ आक्रामक पारी देखने को मिलेगी। अमित से लेकिन आज अमित का बल्ला स्पेशली मैं बोल रहा हूं कि चलने वाला है, क्योंकि SBJPL में इनकी बैटिंग देखने को नहीं मिली और थोड़ी सी कमी रह गई, क्योंकि भावेश जी हो या अमित हो या अखिलेश भाई हो, आप लोगों की बैटिंग, सैंडी भाई हो, आप लोगों की बैटिंग देख करके मजा आता है। इस बीच पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी राकेश की, उन्हें पता है 35 रनों का लक्ष्य दिया गया है उनकी टीम के द्वारा। 7 के औसत से रन बनाने बहुत ज्यादा औसत नहीं है, तो नपी तुली गेंदबाजी करने की जरूरत। राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है, इस बार परिवर्तन के तौर पे धीमी गेंद, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने और डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई श्री जी के चौका आता हुआ। पहली गेंद को थोड़ा सा समझ नहीं पाए थे, लेकिन दूसरी गेंद को ऋषभ ने आसानी के साथ खेल दिया 4 रनों के लिए। एक स्लिप रखी गई, एक पॉइंट रखा गया है और एक खिलाड़ी जो है वो एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में भी है। अब मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ अच्छी फील्ड पोजीशन, लेकिन गेंद पे नियंत्रण नहीं था इस बार। आप स्टंप के थोड़ी सी बाहर की गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का। अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है और इस बार बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन बहुत सही सोच वहां पर फील्डर की, पता था कि कैच के पास नहीं पहुंच पाएंगे और कैच के चक्कर में कहीं रन भी जा सकते हैं। पहली बार सामना करने के लिए तैयार होंगे अब रमेश, राकेश की गेंदों का सामना करने के लिए रमेश, और ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई। विकेट कीपर हितेश जी काफी चतुर है, काफी चालाक विकेट कीपर, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं। अब देखिए किस प्रकार से गेंदबाजी होती है, नीचे रहती हुई गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अंपायर से प्रश्न पूछा है यहां पे, क्या बाहर थे बल्लेबाज पॉपिंग रिच के, और सफलता मिली हितेश को। स्टंप आउट होकर के जाते हुए बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के पास जो लाइन रहती है आगे की, उस लाइन पे ही खड़े थे, लेकिन जिस समय वो शॉट खेलने की कोशिश किए, पैर उनका उठा था और लाइन और उनके पैरों के बीच में बिल्कुल जेठालाल की मूंछों इतना ही अंतर था, और उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पे विकेट कीपर हितेश ने। और हितेश काफी अच्छे विकेट कीपर है, अच्छे खिलाड़ी है, और बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग जो भी कह लीजिए, विकेट कीपिंग सब करते हैं। अब आएंगे तो मैं पूछूंगा कि घर में काम कौन करता है इनके, वही करते हैं सारा काम वही करते हैं। देखिए मुस्कुराते हुए सारे खिलाड़ी, हितेश भाई भी। सफलता राकेश जी को मिली यहाँ पे, एक समय लग रहा था कि बल्लेबाज थोड़े से मुश्किल में है। ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6-1 विकेट के नुकसान पे, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6-1 विकेट के नुकसान पे इस समय लक्ष्य का पीछा करते हुए सत्यम सुपर स्टार्स की टीम, जिस समय सोसाइटी सुपर किंग्स की टीम बैटिंग कर रही थी, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बने थे, लेकिन यहां पे 6 रन बने हैं, एक विकेट भी गिर चुका है और
पावर प्ले के ओवर की शुरुआत होने जा रही है, दूसरा ओवर पावर प्ले का जिसमें 30 यार्ड सर्कल के बाहर दो तीन फील्डर रह सकते हैं। जेसीएल सीजन 6 का यह मुकाबला चलता हुआ और फील्ड में यहां पे तब्दीली हो रही है, किसे गेंदबाजी दी जाएगी टीम में। विनोद भी काफी अच्छे गेंदबाज हैं, हितेश गेंदबाज हैं और सभी गेंदबाज जो हैं उनको इतना ही मैं कहूंगा कि सभी स्विंग कराने में माहिर है, बहुत तेजी देने वाले गेंदबाज नहीं है, बहुत तेज गति की गेंदे नहीं करते हैं, लेकिन अच्छे गेंदबाज है, चतुर गेंदबाज है, उन्हें पता है किस प्रकार से नारंगी ग्राउंड पे इस पिच पे गेंदबाजी करने की जरूरत है। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही, पावर प्ले के ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी विनोद, लंबे कदकाठी के विनोद। अब बिल्कुल जैसे विरार में आप इष्ट में उतरेंगे सबसे पहले इन्हीं की दुकान ज्वेलरी की दिखती है। ऋषभ सामना करने के लिए तैयार, नानिश्चय करने पे नितिन। विनोद की ये गेंद, ऊंचा शॉट, लंबा शॉट, गेंद के नीचे राकेश आते हुए, कोई गलती नहीं, बेहतरीन कैच, सफलता मिली विनोद को, बहुत ही बेहतरीन कैच लेते हुए राकेश। राकेश काफी अनुभवी खिलाड़ी है और ऑलराउंडर खिलाड़ी है और अपनी टीम के कैप्टन भी हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हुए। नए बल्लेबाज करण, जबकि अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे नितिन ही रहने वाले हैं। पहली गेंद पे सफलता मिली है विनोद को, ये नितिन स्ट्राइकर एंड पे और काफी ये धाकड़ बल्लेबाज हैं। इस बार ये गेंद हाथ से छूटी थी, नो बॉल का इशारा आता हुआ, बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी ये। पहली बार सामना करेंगे इस समय करण, जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी भी किए थे, पहली गेंद पे उन्हें सफलता मिली थी जब आए थे गेंदबाजी करने के लिए, और अपने पहले ओवर से अगर देखा जाए तो उन्होंने 10 रन खर्च किया था, एक सफलता मिली थी, लेकिन अब बैटिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए एक स्लिप, एक गली, एक पॉइंट है, लेकिन इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर गेंद के पीछे आते हुए, एक रन मिला, दूसरे रन की मांग, रनआउट का खतरा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन नहीं, थ्रो बिल्कुल स्लो धीरे धीरे आ रहा है और नितिन उधर जा भी बहुत धीरे धीरे रहे, उन्हें पता है कि आराम के साथ मैं पहुंच जाऊंगा। 10 हुआ है स्कोर अभी तक 1.2 ओवर के बाद, 1.2 ओवर में 10/2 पहले जो लक्ष्य मिला है 35 का, उसका पीछा करते हुए इसमें सत्यम सुपर स्टार्स की टीम। पहले मैच की बात यहाँ पे हो रही है, पहला मुकाबला ही चल रहा है, 35 का लक्ष्य है। इस बार आप स्टंप के बिल्कुल बाहर की गेंद फुल टॉस बना करके इसको खेला जरूर है, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए पैरों से रोकने की कोशिश की गई थी, फील्डर मिड विकेट के क्षेत्र में थे, काउ कार्नर के क्षेत्र में गए, अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। इस ओवर में अगर देखा जाए तो अभी तक कुल 3 गेंदें की गई हैं, 6 रन खर्च किए गए हैं और 1 सफलता मिली। इस बार ऊंचा शॉट, बड़ा शॉट, लेकिन क्या ये कैच में तब्दील होगा, कैच में तब्दील होगा, वो कैच छूटा, इतना किशन थे वहां पे, अच्छे फील्डर है किशन, बिल्कुल हवा में गेंद थी, ऊपर उठी भी थी, दूसरे अटेम्प्ट में चाहते तो कैच हो सकता था, अच्छी गेंदबाजी हो रही है बल्लेबाज को फंसाने की कोशिश, लेकिन इस बार बिल्कुल खूबसूरत शॉट, फाइन लेग ऊपर था, गेंद को खेला है, 6 रन यहां पर मिलते हुए, श्री जी के सिक्सर आता हुआ, टूर्नामेंट का बिल्कुल JCL सीजन 6 का पहला ये सिक्स आता हुआ, JCL सीजन 6 और पहला सिक्स, 20 पे 2.5 ओवर के बाद, यहां से मात्र 15 रनों की आवश्यकता, इसके बाद 3 ओवर बचे होंगे, यानी कि 19 गेंदें अभी भी बची हुई है और 19 गेंदों में मात्र 15 रनों की आवश्यकता।
क्या बात है, अच्छी गेंदबाजी। नाश्ते का काउंटर ओपन हो चुका है और आप सभी लोग नाश्ते का लाभ उठाएं। बीस पे दो दो ओवर की समाप्ति के बाद और नाश्ते का काउंटर ओपन हो चुका है, आप सभी लोग नाश्ते का लाभ लें। और लाभ उठाने के लिए अब गेंदबाजी में परिवर्तन, और परिवर्तन के तौर पे हितेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हितेश दो ओवर की समाप्ति के बाद 20 अभी तक स्कोर हुआ है सत्यम सुपर स्टार्स का, जिनके सामने लक्ष्य 35 का है। अभी भी 18 गेंदे और 15 रनों की आवश्यकता। नितिन को अभी भी अपना खाता खोलना है, जबकि करण 5 गेंदों पे 12 रन बना करके नानिश्चय करेंट पे। नितिन ने सीधे बल्ले से खेला, क्या क्लास है, बिल्कुल एक रन के लिए। उन्हें पता है कि अब अभी तक अभी तक देखना है कि करण स्ट्राइकर एंड पे है। किस प्रकार से गेंदबाजी होती है, कुछ गेंदे अगर डॉट कराते हैं तभी मैच में वापसी हो सकती है सोसाइटी सुपर किंग्स की, अन्यथा मैच उनकी पकड़ से दूर जाता हुआ। इस बार सीधे बल्ले से खेला, रन आउट का एक चांस हो सकता था। नितिन के लिए ये गेंद हितेश की बहुत अच्छी गेंदबाजी, ये अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई, अभिश्रम के थोड़ी सी बाहर थी, खेलने का प्रयास था लेकिन प्रयास सार्थक नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। प्रयास में सफलता नहीं मिली बल्कि विफलता ही मिली है यहाँ पर गेंदबाज को, बल्लेबाज को। इस बार पुल टॉस बना करके खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद गई ऑफ साइड में। विनोद है फील्डर और एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे, और एक रन के साथ 2.4 ओवर में अभी भी 23 रन बन चुके हैं दो विकेट के नुकसान पे सत्यम सुपर स्टार्स के। अभी भी सत्यम सुपर स्टार्स की टीम को 14 गेंदों पे 12 रन बनाने की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 35 रनों का लक्ष्य, 14 गेंदों पे 12। इस बार गेंद को खेला डीप मिड विकेट में फील्डर, लेकिन ये श्री जी के हॉलमार्क सेंटर चौका आता हुआ। अच्छा ये चौका, अच्छी बाउंड्री, 27 हुआ स्कोर। यहां से मात्र 8 रनों की आवश्यकता, 8 रनों की आवश्यकता यहां से। क्या यहां से भी 13 गेंदे जो हैं उसमें कुछ गेंदे डॉट करा के मैच में रोमांच लाया जा सकता है इस बार। बिल्कुल स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, फील्डर मौजूद है, थोड़ा सा फंबल हुआ, दूसरे रन की मांग हो रही थी। हां ना का सिलसिला काफी देर तक चला, एक रन के साथ ओवर समाप्त हुआ और 28 पे दो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 गेंद और 7 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदें और 7 रनों की आवश्यकता। क्या यहां से कोई गेंदबाज मैच बना सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में सत्यम सुपर स्टार्स की टीम नजर आ रही है। उनके कैप्टन ने जिस प्रकार से पहले टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला लिया, उनके गेंदबाजों ने पूरा साथ निभाया, 34 रन केवल बनाने दिया सोसाइटी सुपर किंग्स की टीम को जवाब में 35 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए। जब टीम उतरी तो शुरुआती ओवर में पहला विकेट जरूर वहां पे गिरा, और लेकिन करण जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों पर 18 रन बनाए हैं, वो काबिले तारीफ। करण के लिए देखे फील्ड में तब्दीली होती हुई, एक स्लिप रखी गई है, एक बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है, एक शॉर्ट कवर रखा गया है, एक फील्डर जो कि अभी भी यहां वहां शिफ्ट किया जा रहा है।
बिल्कुल पॉइंट और कवर दोनों रख लिया गया है, और लॉन्ग ऑफ है जो कि राकेश के रूप में, लेकिन कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच का एक बड़ा दायरा जिसे एक्स्ट्रा कवर कहते हैं वो अभी भी खाली। स्पिन गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है, लेकिन ये गेंद जब टिप्पा खाएगी तब तो स्पिन होगी, हाथ से छूटी थी, नो बॉल का इशारा और नो प्लस टू, फ्री हिट भी मिलेगी, दाल बाटी चूरमा सब कुछ मिलता हुआ। और अब इस बीच ये गेंद लेग स्टंप के थोड़े से बाहर शायद नहीं थी, हाँ बिल्कुल विकेट के ऊपर से निकली थी। 31 हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 3.1 ओवर के बाद, 11 गेंद और अभी भी 4 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ही अच्छी फ्लाइट दिया था, और अगर कुछ और रन होते तो मजा आता इस गेंदबाज की गेंदबाजी को देख करके, क्योंकि निडर होकर के गेंदबाजी करते हुए फ्लाइट अच्छी थी। विदित है गेंदबाज, जरूर पहली गेंद उनके हाथ से छोटी थी, नो बॉल के रूप में निकली थी और 2 रन भी उस पे हुए थे, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी। इस बार बहुत ही खूबसूरत है, ये रिवर्स स्वीप नहीं बल्कि रिवर्स शॉट कहलाता, और इस मुकाबले को जीत लिया। अब आज के दिन का पहला मुकाबला सत्यम सुपर स्टार्स की टीम ने यहां पर जीत लिया है, और अब दूसरे मुकाबले की शुरुआत है। बिना किसी देरी के मैं चाहूंगा कि यहाँ पे सोनी रॉयल्स के कैप्टन, जिन्होंने टॉस जीता है, वो गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। सोनी रॉयल्स के कैप्टन अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में जाएं, और मेघना इलेवन के